चलो अप, एट, वेरी गुड, चलो चलो नाइन, एक और चलो कमऑन टेन, वेरी गुड। अब आज वापस आइए जिम में, वापस दाल बाटी खा के आ रही हूँ। पहले तो दाल बाटी हो, अभी दो बाटी खा के आ रही हूँ। और बस, और क्या खाती है पूरा दिन का बता, पूरा दिन का बता, और क्या खाती है? और मैं रात को आइसक्रीम खाती हूँ, सुबह भी बहुत कुछ खाती हूँ, और मोमोज, हाँ मोमोज भी खाती हूँ, और हमारी जान, हाँ इन सबकी जान भी खाती हूँ। वेलकम अगेन, मैं हूं कमल यादव, मेरे साथ आया आयुष प्रजापत। हमारा आज डे फाइव है और हमारा लेग का वर्कआउट है, हमारा सेकंड एपिसोड है ये कटिंग सीरीज का। हम लेग के वर्कआउट के साथ साथ डाइट की भी बात करेंगे और डाइट का एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे जो आगे आपको दिखाएंगे। बाकी लेग के साथ साथ आज हम लेग का वर्कआउट करने वाले हैं, तो आज हमारे साथ बने रहिए लेग के वर्कआउट में। तो चलते हैं लेग के वर्कआउट के साथ, स्टार्ट करते हैं कटिंग का हमारा ये सेकंड वर्कआउट जो आपको आपके रूटीन में शामिल करना है। सबसे पहले हम ओपन रॉड से स्क्वाट्स लगा रहे हैं, वार्म अप सेट लेंगे, 10 टू 15 रेपिटेशन रहेंगे हमारे वार्म अप सेट के। चलिए 1 2, फुल रेंज में लगाना है हमको, वेट कम रहेगा चलेगा, बाकी जो स्क्वाट्स की रेंज रहेगी वो बिल्कुल फुल रहेगी ताकि मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाए। और हमारा रेपिटेशन वर्क रहेगा तो हमारा ध्यान रहेगा कि फुल रेंज में हम वर्कआउट को करें। एक और वार्म अप सेट लेने वाले हैं इसके बाद, फिर हम जाएंगे हेवी की तरफ। फुल हेवी लगाने के बाद हम जाएंगे रेपिटेशन की तरफ। 8 9 10, ओके वेट चलो 1 2 3 स्टार्ट। डाइट में, कटिंग की जब डाइट करते हैं तो सबसे पहले उसके रूटीन को ध्यान में रखते हैं कि हम मॉर्निंग से इवनिंग तक का हमारा रूटीन कैसा रहेगा और क्या क्या चीजें हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वार्म वाटर पीना है, बिल्कुल उठते ही लेना है। आपको कितना लेना है? 2 ग्लास, कम से कम 2 से 3 ग्लास या 1 से 1.5 लीटर तक जा सकते हैं, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 1 से 1.5 लीटर तक आप वार्म वाटर ले सकते हैं। उसके बाद आपका रहेगा 40 मिनट का कार्डियो, 40 मिनट का कार्डियो रहेगा। अब आप ये पहले डिसाइड कीजिए कि आप आपके कटिंग सेशन में 2 टाइम वर्कआउट करते हैं या 1 टाइम वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट का शेड्यूल कैसा है, सुबह वेट ट्रेनिंग करते हैं या शाम को वेट ट्रेनिंग करते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका दिन भर का डाइट और आपका दिन भर का शेड्यूल। तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आयुष का जो वर्कआउट चल रहा है वो मॉर्निंग का चल रहा है, तो मॉर्निंग का चल रहा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के पानी वाला सिस्टम तो सभी को ये करना है कि आपको उठे कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक आप जाना है। 1-2 ग्लास से शुरू कीजिएगा पानी, वार्म वाटर पीना, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर तक ले जाइए। उसके बाद अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में आपका 40 मिनट का कार्डियो रहेगा। 40 मिनट के कार्डियो के बाद आपको एप्स वगैरह लगा के खत्म करना है। बाकी जैसे आयुष का वर्कआउट मॉर्निंग का है तो हम करेंगे सबसे पहले मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग, तो उसके पहले हम लेंगे एक प्री वर्कआउट मील। तो प्री वर्कआउट मील में क्या लेते हैं, ओट्स। कितना? ओट्स 150 ग्राम, 150 ग्राम ओट्स ले रहे हैं। इसका वेट 92 kg है। 92 kg में के हिसाब से आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको कार वेट करना है। इसका 150 ग्राम ओट्स रहेगा जो प्री वर्कआउट मिल रहेगी, उसके बाद हमारा जो वेट ट्रेनिंग रहेगी। अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो आपको सुबह कार्डियो करना है, वो भी खाली पेट करना है, विदाउट कुछ भी प्री वर्कआउट मिल लिए। अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट प्री वर्कआउट मिल लेना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सेट लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
ये हमारा है 95 केजी से अगला सेट। हमारी कोशिश रहेगी 10 रेपिटेशन निकालना, और हम चूंकि कटिंग का वर्कआउट कर रहे हैं तो रेपिटेशन पर हमारा फोकस है, वेट आइडियल हो और रेपिटेशन ज्यादा से ज्यादा हो। चलो, और सेट की कोई काउंटिंग नहीं है हमारी, वैसे कर सकते हैं 5 से 6 सेट 7 सेट, बाकी हमारी सेट की कोई काउंटिंग नहीं है। सेट खिलाड़ी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। 1 2 वेरी गुड 3 चलो अप 4 चलो अप 5 चलो अप 6 चलो अप 7 चलो अप 8 वेरी गुड चलो चलो 9 एक और चलो कम ऑन 10 वेरी गुड। ये 10 रिपीटेशन निकले, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमारा अब चलेगा यहां से डाउन में। अब हम वेट को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमको रेपिटेशन कम से कम 10 रेपिटेशन चाहिए ही चाहिए। अब हम यहाँ पे वेट ड्रॉप करेंगे और 4 सेट लगाएंगे 10-10 रेपिटेशन के। चलो आगे चलते हैं। माही हेलो। ये दादा तेरी डाइट बता। अभी जो डाइट, अभी इसका वर्कआउट बंद है, 3 महीने से गायब है, बत्ती देके भग गई है। अब आज वापस आई है जिम में, वापस वर्क बाटी खा के आ रही हूँ। पहले तो दाल बाटी हो, वो भी 2 बाटी खा के आ रही हूँ। और बस, और क्या खाती है? पूरा दिन का बता, पूरा दिन का बता, और क्या खाती है? और मैं रात को आइसक्रीम खाती हूँ, सुबह भी बहुत कुछ खाती हूँ। और मोमोज? हाँ, मोमोज भी खाती हूँ। और हमारी जान? हाँ, इन सबकी जान भी खाती हूँ। चलो 10 रिपीटेशन स्टार्ट। हेलो 1 2 3 हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी सुमो स्क्वाट्स, और हम सुपर सेट लेंगे क्लोज स्क्वाट्स का। दोनों के 20-20 रेपिटेशन लगाने वाले हैं, और इसके लगाएंगे हम 4 सेट, 4 या 5 भी लगा सकते हैं, बाकी हम फिलहाल 4 सेट लगा सकते हैं। कम, इससे कम नहीं लगाना आपको, 5 सेट तक भी जा सकते हैं, 6 सेट तक भी जा सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज रहेगी लेग एक्सटेंशन, जिसके भी हम 4 सेट लगाने वाले हैं और रेपिटेशन रहेंगे 20। आप पर सेट को अच्छे से देखिएगा कि कैसे लगाते हैं इसको। चलिए शुरू करो। शुरू करेगा, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होल्ड, अच्छे से होल्ड करना है, पूरा खींचो, घुटने से पैर को सीधा करो टाइट। ओके, एक्सरसाइज है लंजेस, जिसके हम लेंगे 20 रिपीटेशन 4 सेट,
जो हमारी इस सेशन की लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। 20 रिपीटेशन लगाएंगे पर सेट में और चार सेट लगाएंगे हम इसके। स्टार्ट करो। 1 फुल रेंज में लगाना है इसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ होता है हमारा लेग का वर्कआउट खत्म। अब हम करेंगे 20 से 30 मिनट का कार्डियो और उसके बाद हमारा आज का वर्कआउट खत्म होगा। हम डाइट के बारे में आपको आगे और बताएंगे, प्रॉपर रेसिपीज भी बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है, कैसे लेना है डाइट के बारे में। जैसे अभी आपको सुबह का शेड्यूल बताया, आगे क्या डिनर में लेना है, कितनी मील लेना है, सारी चीज़ें हम आपको हर वीडियो के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे और एक स्पेशल वीडियो भी इसका बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ, नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।